सो so, हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वी फॉर वैल्यू में आज हम लोग बात करने वाले हैं सालसर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं किस प्रकार के चौका देने वाले अभी के टाइम पे क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए हैं और इस रिजल्ट को देखते हुए हम आने वाले टाइम पे किस प्रकार के टारगेट्स कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में अगर आप जरा भी सोच रहे हैं तो ये वीडियो और ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम

तो इन सारे सेक्टर्स में अभी के टाइम पे कंपनी काम करती है इसके अलावा बात करें कंपनी के टॉप क्लाइंट्स कौन से हैं तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा भारतीय एयरटेल टावर अदानी टाटा मोटर्स ए बी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है वो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं तो आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा एक क्लाइंट बेस्ड कंपनी ने बना रखा है एंड आई होप आने वाले टाइम पे इससे कंपनी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस भी बनाएगी जैन हम बात करते हैं 2022 के रिजल्ट के बारे में तो आप जैसे कि देख पा रहे दो हजार के रिजल्ट के साथ इसे कंपेयर करा गया है आप देख पा रहे हैं दो में जो ये रिजल्ट आया ये बीते दो साल के रिजल्ट से काफी ज्यादा अच्छा आया है साथ ही बात करें इनके इबीटा मार्जिन की तो उसमें भी कंपनी ने काफी अच्छा इबीटा मार्जिन इंक्रीज किया है जो कि काफी अच्छी बात है हाँ पेट मार्जिन में आपको थोड़ी सी कटौती देखने को मिल रही है बट अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एज कम्पेयर टू पास्ट टू इयर्स में कंपनी का इस साल का जो प्रॉफिट मार्जिन आया वो काफी अच्छा आया And यही चीज इस कंपनी को एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड करता है अभी के टाइम पे मार्केट में देन बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे एवरी सिंगल ईयर कंपनी अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही थी ड्यू टू कोविड नाइनटीन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कंपनी का डाउन ट्रेंड बट उसके बाद कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से कम करा और अभी भी उस चीज को जारी रखा है जो कि काफी अच्छी बात है इसके अलावा अगर बात करें कंपनी के होल्डिंग्स के बारे में तो ऑलमोस्ट सिक्सटी नाइन परसेंट की प्रमोटर्स की जबरदस्त होल्डिंग देखने को मिल रही है रेस्ट आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स की जीरो पॉइंट फाइव फाइव परसेंट और रिटेलर्स की आपको ट्वेंटी नाइन परसेंट होल्डिंग देखने को मिल रही है सो ये इस कंपनी का कुछ होल्डिंग पैटर्न है नॉर्मल कह सकते हैं आप इसे देन बात करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज के बारे में तो आप जैसे कि देख पा रहे लगभग सात सौ एक करोड़ का मार्केट कैपिटाइजेशन है मतलब कंपनी छोटी है बट कंपनी ने जो क्लाइंट बनाया वो काफी ज्यादा बड़े बनाए जो कि काफी अच्छी बात है पी रेशो जैसे कि देखने को मिल रहा है आपको ट्वेंटी का है पीबी रेशो टू का है ही जीरो पॉइंट फोर वन का है कंपनी के ऊपर टोटल लैप वन पॉइंट फोर नाइन करोड़ का इसके लिए बात करें कैश रिकॉर्ड की पांच करोड़ का कैश होता है आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट है जिसे कंपनी को सीरियसली लेना चाहिए देन बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की तो ये इलेवन परसेंट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ आपको थर्टी टू परसेंट का देखने को मिल रहा है आर ओई यहाँ पर आपको ट्वेल्व परसेंट देखने को मिल रहा है और आर ओ सी यहाँ पे आपको फोर्टीन परसेंट देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छा नंबर माना जाता है देन एट एंड हम बात करते हैं क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो उसके लिए आप जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देख पा रहे पाएंगे यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट में एक डिविडेंड को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको ग्रीन साइन में देखने को मिल रही है मतलब कंपनी काफी अच्छी है ये भी आपको रिकमेंड करता है कि आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में एड करना चाहिए देन बात करते हैं इसके वन ईयर के रिटर्न के बारे में तो माइनस में ट्वेंटी थ्री परसेंट चल रहा है मतलब आपने ऑल टाइम लो पे अभी के टाइम पे कंपनी ट्रेड कर रही है आप इसे बाय कर सकते हैं समवेयर अराउंड अगर आप बाय करना चाहें तो 200 सौ के अंडर में आप बाय कर सकते हैं टारगेट जो मैं से देना चाहूंगा वो रहेगा मेरा टारगेट वन थ्री का एंड टारगेट टू थ्री का टाइम ड्यूरेशन जो मैं दूंगा वो रहेगा मेरा वन पॉइंट का अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार अपनी तरफ से कंपनी के फंडामेंटल जरूर चेक करिएगा सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों का जो अभी के टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब कि वो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को लेके मैं यहाँ पे आपका एक मिनट का समय लेके ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं पर्सनली आपकी जगह होता तो मैं अभी के टाइम पर क्या करता तो अगर मैं पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ बताऊँ इस शेयर के प्रति तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पर मे बी कोई अदर कंपनीज़ हो सकती है जो कि इसे टैकल कर सके क्योंकि अभी के टाइम पर काफी ज़्यादा स्मॉल मार्केट कैप है कंपनी का तो अगर कोई बड़ी कंपनी आती है जो कि एक अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट करती है सेक्टर में तो मे बी इस कंपनी के लिए टफ कंपटीशन हो सकता है कि कैसे उस समय अपने मार्केट को बचाएं और अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करें तो ये काफ़ी देखने वाली बात रहती है कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से रिस्पॉस करता है ऐसे सिचुएशन में बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो हाँ मैं बेसिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ बट विद द मिनिमम अमाउंट मैं इसमें बाय करना चाहूँगा समवेयर अराउंड टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड अगर आप शेयर बाई करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप इसमें बाई कर सकते हैं अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस शेयर के प्रति आप दूर रहें काफ़ी एक अच्छे शेयर्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल्स पर शेयर करें आप उसको चेक कर सकते हैं बाकी मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में आई होप आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन दोनों ही पसंद आई होगी so जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक लैंड गुड बाय थैंक यू दोस्तों